नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। एक सचिन खोजिएगा तो एक ही सचिन मिलेगा, लेकिन संसद के भीतर एक सचिन खोजिएगा तो सैकड़ों सचिन मिल जाएंगे। जी, मसला खेल से इतर अगर संसद की बात होने लगेगी तो सचिन एक नहीं है, कई सचिन है। हमने सोचा दस्तक में तलाशा जाए कितने सचिन है इस संसद के भीतर। आइए जरा इस दस्तक के जरिए संसद के भीतर दस्तक देते हुए संसद में कितने सचिन खोजने का एक प्रयास किया जाए, क्योंकि राज्यसभा में आज मामला ये उठा कि ना रेखा आती हैं ना सचिन तेंदुलकर आते हैं, फिर इन्हें नामांकित किया क्यों गया है। ये संसद की त्रासदी कह सकते हैं, लेकिन सच क्या है आइए। मसलन 16वीं लोकसभा, मोदी सरकार, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। दरअसल इस दौर में लालकृष्ण आडवाणी कुछ भी नहीं बोले हैं, किसी चर्चा में हिस्सा नहीं। करिया मुंडा बीजेपी के ही हैं, लीला दरभाई वगैरह बीजेपी के हैं, नीलम सोनकर बीजेपी की हैं, प्रभात रंजन सिंह बहुत सारे हैं, लेकिन इनकी हाजिरी 100% रही है, इसलिए हम इन चेहरों को दिखा रहे हैं। रमेश बैस, रमेश चंद्रप्पा, राजकुमार सिंह, 100% हाजिरी, लेकिन बावजूद इसके ना कोई चर्चा में हिस्सा ना कभी कोई बहस। ये वो चेहरे हैं, और ये 15-16 चेहरे जो हैं जो कि 100% आते हैं, लेकिन क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, अगर आप हिस्सा नहीं लेते हैं। जयकुमार जयवर्धन AIDMK के भी हैं इसमें शरीक। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि अगर ऐसे नेताओं की मौजूदगी इस लोकसभा में मौजूदा में, तो आप कह सकते हैं कि दरअसल ये आंकड़ा तो अभी का अभी 100 दिन भी सरकार को हुए नहीं है, ये आगे बोलेंगे। लेकिन आगे बोलने का नहीं सवाल है, हम बीते 10 वर्षों का खाका आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि ये चर्चा अगर निकल पड़ी सचिन और रेखा के जरिए तो फिर बाकियों का क्या कहा जाए। रेखा और सचिन तो फिर भी नामांकित हुए हैं, लेकिन सिनेमाई पर्दे से जनता के बीच जाकर वोट मांगकर जीतने वाली विजय शांति हो या फिर धर्मेंद्र, जो जनता की आवाज लोकसभा में देने के लिए ही चुने गए, लेकिन विजय शांति 2009 से 2014 तक कभी कुछ नहीं बोली, और धर्मेंद्र 2004 से 2009 तक कुछ नहीं बोले। यानी सिनेमाई पर्दे पर गरजने वाले नायक हो या नायिका, संसद में आकर इनकी बोलती बंद हो गई। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, जिन्होंने राजनीति का ककहरा नहीं पड़ा वो संसद में खामोश हो जाते हैं। असल मुश्किल ये नहीं है कि सांसद संसद के भीतर कितना बोलते हैं, मुश्किल ये है कि कुल 100 सांसदों से ही समूची संसद चलती रहती है, जो हर विषय पर खूब बोलते हैं, खूब सवाल उठाते हैं, और इनके खूब बोलने या खूब सवाल उठाने से आम जनता को कोई लाभ होता ही नहीं, बल्कि औद्योगिक घरानों से लेकर कॉरपोरेट की मुश्किलों या फिर पैसे वालों के उलझे रास्ते ठीक करने के लिए ही ये चर्चा करते हैं, ये सवाल उठाते हैं। महंगाई पर चर्चा होती है तो सदन से 73% सांसद गायब हो जाते हैं। भ्रष्टाचार पर चर्चा होती है तो 55% सांसद सदन में नहीं होते, और काले धन पर चर्चा होती है तो 80% सत्ताधारी सांसद ही गायब रहते हैं। वैसे बीते 10 बरस का सच यही है कि 200 सांसदों ने कभी कोई सवाल उठाया ही नहीं, ना ही चर्चा में हिस्सा लिया। लेकिन वो रेखा या सचिन की तरह नहीं निकले कि संसद आए भी नहीं, लेकिन संसद से निकलता क्या है ये तय जरूर कर लीजिए, क्योंकि बीते 10 बरस में लोकसभा या राज्यसभा का औसतन 50% से ज्यादा वक्त हंगामे में ही हवा हवाई हो गया, और जो हर दिन लोकसभा या राज्यसभा में पहुंचकर हंगामा कर निकल गए उन्हें भी 2000 रुपए प्रतिदिन की मेहनत के मिल गए। यानी देश में औसतन शारीरिक श्रम कर जितनी कमाई महीने भर में होती है, उतनी कमाई सांसद को संसद न चलने देने के बाद एक दिन में मिल जाती है। हमें लगता है कि 2004 से अभी तक की स्थिति, आइए आपको जरा दिखाते चलते हैं कि क्या स्थिति इस देश की है संसद के भीतर की। मसलन 16वीं लोकसभा यानी मौजूदा लोकसभा जो चल रही है, 72 सांसदों की कोई भागीदारी नहीं है किसी भी स्तर पे। सभी आते हैं, लेकिन 101 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने किसी चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, और तकरीबन 200 यानी 198 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन अवर का कोई उपयोग किया ही नहीं, कोई सवाल उठाया ही नहीं है। फिर वही सवाल, आप कहेंगे कि बहुत कम दिन हुए हैं, तो चलिए 15वीं लोकसभा, इससे पुरानी स्थिति दिखाते हैं। इन 5 वर्ष के भीतर क्या क्या कुछ कुछ होते रहा। 15वीं लोकसभा से पहले जब 2009 से 2014 के बीच चीजें हो रही थी, तो 40 सांसदों ने किसी चर्चा में 5 वर्ष तक हिस्सेदारी नहीं की, 63 सांसदों ने क्वेश्चन अवर में कोई भागीदारी नहीं की, कोई सवाल पूछा ही नहीं, और जो प्राइवेट बिल होता है यानी जो लोग सरकार में नहीं होते हैं और वो लेकिन सांसद होते हैं, उन्होंने प्राइवेट बिल का कोई उपयोग नहीं किया।
450 सांसद वैसे, और 14वीं लोकसभा की स्थिति में 42 सांसद कोई चर्चा नहीं करते हैं, 53 सांसद कोई सवाल नहीं उठाते हैं। अब इसमें कितने सचिन किस रूप में आप देखेंगे ये गिनते चले जाइए, लेकिन एक सवाल हर जहन में आ रहा होगा कि दरअसल जो नामांकित होते हैं क्या वाकई उन्हें कोई बोलने की जरूरत नहीं है, या भारत का इतिहास रहा क्या है 1952 से लेकर अभी तक? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो नहीं बोलते हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर बोले हैं, बड़ी बड़ी बात कह गए हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, तब बात सामने आएगी कि दरअसल सचिन और रेखा अपनी भूमिका निभा नहीं रहे हैं। I'd be really, really happy if I'm remembered for my contribution to other sports. जून 2012 में जब सचिन तेंदुलकर ने सांसद की शपथ ली तो उन्होंने कहा, मैं संसद में खेल से जुड़े मुद्दे को उठाना चाहता हूं। जाहिर है भारत को अभी भी इसका इंतजार है, सचिन कब बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया जाता हो वो सभी सचिन तेंदुलकर की तरह ही होते हों। पहली संसद यानी 1952 से अब तक तकरीबन 200 लोग राज्यसभा में नामांकित किए जा चुके हैं। इनमें नामी डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। वैसे रेखा कुछ बोले या ना बोले, लेकिन पहली संसद में मनोनीत पृथ्वीराज कपूर ने 1952 में अपने भाषण में राष्ट्रीय थिएटर शुरू करने की बात कही थी, और उसके बाद उन्होंने तब की बंबई में थिएटर भी बनाया। वहीं 1953 में नर्तक रुक्मणी देवी अरुंदाले की मदद से जानवरों के विरुद्ध क्रूरता रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया गया, और कार्टूनिस्ट आबू को राज्यसभा में इंदिरा गांधी लेकर आई, और 1973 में कार्टूनिस्ट अबू इब्राहिम ने सूखा पीड़ित इलाके की अपनी यात्रा के बारे में बेहद खूबसूरती से वर्णन किया था, जिसके बाद सरकार को सूखा क्षेत्रों को लेकर नए पैकेज का ऐलान करना पड़ा था। और तो और 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई तो यही अबू इब्राहिम ने अपने कार्टून के जरिए राष्ट्रपति और इंदिरा गांधी पर सीधी चोट की थी। उन्होंने तब के राष्ट्रपति को बाथ टब में आपातकाल लागू करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया था। भारत के जाने माने लेखकों में से एक आरके नारायण ने संसद में अपने पहले भाषण में भारी भरकम स्कूल बैग को हटाने की मांग की थी। उस वक्त आरके नारायण ने कहा था, भारी भरकम बैग लटकाकर बच्चे झुक जाते हैं, चलते वक्त चिंपांजी की तरह उनके हाथ आगे की ओर लटके रहते हैं, और मुझे कुछ ऐसे केस का पता चला है जिससे बच्चों को इससे रीढ़ की गंभीर बीमारी से जूझना पड़ रहा है। और फिर उसके बाद सरकार ने बकायदा स्कूलों को निर्देश जारी किया था कि बच्चों के बैग हल्के होने चाहिए। अब इन सब के बीच सचिन या रेखा से उम्मीद क्या की जाए, या फिर इनकी इस अदा पर फिदा होते रहा जाए? यह वाकई बड़ा मुश्किल सवाल है। आप सोचिएगा कि संसद में एक दिन में जितना खर्च होता है, इन दो शख्स की कमाई एक दिन में कभी इससे ज्यादा हुआ करती थी, अब थोड़ी कम हुई है लेकिन कहीं ज्यादा हुआ करती थी। संसद में एक मिनट का खर्च 2.5 लाख रुपए है। इन सबसे ज्यादा कमाई ये लोगों की होती थी, तो ये एक देश का मिजाज है। लेकिन आज संयोग ऐसा है था कि आज राज्यसभा में मुद्दा भी उठा और दिल्ली में सचिन तेंदुलकर भी थे, लेकिन राज्यसभा में नहीं गए। वो जहां पर थे वहां उन्होंने सफाई दी। When I got back from England and I had planned to be here in Delhi, there was an emergency in my family which I didn't disclose. It was a medical emergency and I thought certain things are kept private. But just to let you know that my absence in Delhi was because my elder brother Ajit had to undergo a bypass surgery. सिर्फ सांसद नहीं है सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। मतलब बहुत साफ है, देश के लिए सबसे पहला रत्न कोई शख्स है मौजूदा वक्त में तो सचिन तेंदुलकर है। ये सारे परिप्रेक्ष्य में सोचने की बात है कि आपकी जरूरत होती क्या है और भारत रत्न आपको दिया क्यों जाता है, सांसद या राज्यसभा में नामांकित किया क्यों जाता है, ये सारे सवाल हैं।
जनता समझ रही है सारी चीजों को, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के लिए कल से एक नया दिन शुरू होने वाला है। जी चलिए अमिताभ के पास चले चलते हैं। दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक कल सुबह शुरू होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के तमाम आला नेता और साथ साथ बीजेपी के नव निर्वाचित अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद होंगे। इस बैठक अमित शाह के अध्यक्ष बनने का अनुमोदन करेगी राष्ट्रीय परिषद। कम से कम 2 से 2500 राष्ट्रीय परिषद के डेलीगेट्स इसमें हिस्सा लेंगे, जो कि पूरे दिन मशक्कत करेंगे और माथापच्ची करेंगे आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति और रूपरेखा क्या होगी। सुबह राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह तमाम लोगों के भाषण यहां पर मौजूद होंगे और बैठक का समापन होगा अमित शाह के भाषण के द्वारा। आप देख सकते हो इस तस्वीरों में लालकृष्ण आडवाणी के साथ साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तस्वीरें, राजनाथ सिंह की तस्वीरें यहां बड़ी चारों तरफ छाई हुई हैं। और हमारे साथ यहां पर बीजेपी के दिल्ली के विधायक हैं ओम प्रकाश शर्मा जी। ओम प्रकाश जी, चेहरे काफ़ी पुराने चेहरों को तरजीह दी जा रही है। सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के चमकते हुए सितारे हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। आडवाणी जी, अटल जी, अब युग परिवर्तन हो गया है, लेकिन समय का तो परिवर्तन होते ही रहते, प्रकृति का नियम है। 11 बजे के आसपास यहां दीप प्रज्वलन से यहां कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी यहां मौजूद होंगे। उसके बाद राजनाथ सिंह यहां पर अमित शाह के नाम का प्रस्ताव रख के पूरे राष्ट्रीय परिषद की अनुमति लेंगे। उसके बाद अमित शाह का कम से कम 1 घंटे का भाषण होगा, जिसमें पार्टी की लोकसभा में जीत से लेकर आने वाले दिनों में पार्टी की क्या गतिविधियाँ होंगी, पार्टी की क्या रूपरेखा होगी, उस पर चर्चा होगी। कैमरामैन विनोद के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।